दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या डीजी परिपत्र 57 जो वर्ष 2012 का है, जिसमें धारा 41A, 41B, 41C, 41D दंड प्रक्रिया संहिता 2008 एवं 2010 के अंतर्गत पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकारी। नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008, अधिनियम संख्या 5/2009। 2, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010। तीसरा, परिपत्र संख्या DG-10-2/2011। चौथा, परिपत्र संख्या DG-36/2011। पांचवा, परिपत्र संख्या DG-10-2/2011 दिनांक 20/11/2011। उपर विषय माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में बिना वारंट गिरफ्तारी के संदर्भ में अनिश्चितता को दूर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हुए निम्न निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। नंबर 1, उपरोक्त संदर्भों के अनुसार पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्तियों के संबंध में धारा 41 व धारा 41 से दंड प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त संशोधन किया गया, जिससे गिरफ्तारी का औचित्य पूर्ण सावधानी पूर्वक तथा न्यायपूर्ण प्रतिपादन हो सके। नंबर 2, ये तब संशोधन प्रभावी हो गए कि तो देखा जा रहा है कि उनका अनुपालन विवेचना अधिकारियों द्वारा दृढ़ता पूर्वक नहीं किया जा रहा। समस्त पुलिस अधिकारियों एवं यूनिट प्रभारियों को धारा 41, 41A, 41B, 41C और 41D दंड प्रक्रिया संहिता अनुपालन हेतु संदर्भित की जाए, जिससे कि उनका अनुपालन अपेक्षा अनुसार सुनिश्चित हो सके। किसी ऐसे अपराध की शिकायत अथवा सूचना अथवा संज्ञेय अपराध में युक्त संदिग्ध होने पर जिसमें अधिकतम सजा वर्ष 7 वर्ष या उससे कम होने का प्रावधान है, के संबंध में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि पुलिस को गिरफ्तार करने के अथवा गिरफ्तार न करने के कारणों को लेखबद्ध करना अनिवार्य है। 4, कोई व्यक्ति मात्र शिकायत के आधार पर अथवा अपराध में संलिप्त होने के संदेह के आधार पर बिना वारंट के तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संदेह अपराध कारित करता है अथवा जब कोई व्यक्ति ऐसा संज्ञेय अपराध जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सजा से दंडनीय है, विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारी को उसके विरुद्ध विश्वास करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले तथा वह संतुष्ट हो कि व्यक्ति ने अपराध किया, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तारी आवश्यक है। व्यक्ति को आगे अन्य अपराध कारित करने से रोकने के लिए, अपराध की समुचित विवेचना के लिए, तीसरा, अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करने से रोकने के संबंध में, चौथा, बाद के तथ्यों को जानने वाले किसी व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकाने या किसी प्रकार के आश्वासन देने, पांचवा, न्यायालय की आवश्यकता अनुसार उनके समक्ष उपस्थित सुनिश्चित कराने के। इस प्रकार के सभी अभियोग जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, उनमें पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के अंतर्गत एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उस व्यक्ति को नोटिस की शर्तों का पालन करने हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेगा। यदि व्यक्ति नोटिस के निर्देशों का पालन करने में असफल हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकती है। छठा, उपरोक्त के प्रकाश में सभी विवेचकों एवं पर्यवेक्षक पर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे यंत्रवत गिरफ्तारी न कर न्यायपूर्ण ढंग से गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर अभियोग नियोजित किया जाता है तो विवेचना अधिकारी को चाहिए कि उक्त कारणों को अवश्य लेखबद्ध करें जो गिरफ्तारी करने
अथवा न करने के लिए 41 बी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पर्याप्त है। सातवां, मैं चाहूंगा कि उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उक्त प्रावधानों के संबंध में निर्देशों को आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को मासिक अपराध गोष्ठी में पुनः संज्ञानित कराएं एवं न्यायिक निर्णयों के सापेक्ष संगत एवं विधि सम्मत कार्यवाही कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता दृष्टिगोचर न हो। धन्यवाद।